जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स लाजमी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा वही काम करे जो हम चाहते हैं, ठीक है, बास टाइम वो ऐसे काम भी करती है भाई जो हम नहीं चाहते। अभी जो लेबर पार्टी है उसने रवांडा का बिल जो है वो डिसमिस किया, तो उससे काफ़ी लोग खुश हुए, लाजमी बात, खुशी की बात है। लेकिन उसके साथ उसने ये भी अनाउंस किया कि भाई कि जितने भी इनके रवांडा बिल जो 90,000 बंदे थे जो रवांडा जाने थे, उनके केसेस एज सून एज पॉसिबल ख़त्म किए जाएँ, मतलब ये कि उनको सॉल्व किया जाए। जो वो रवांडा जाते और यहाँ पे सॉल्व होते तो उन्होंने बोला इसको, इस प्रोसेस को फास्ट करके जो जेन्युइन केस हैं उनको पास किया जाए और बाकी जो जेन्युइन नहीं है उनको डिपोर्ट किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए, यहाँ से उनको रिमूव किया जाए। तो बाकी उसके साथ उन्होंने एक जो होम सेक्रेटरी जो लेबर पार्टी की तरफ से आई है, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक टीम तश्कील दे दी है जिसका काम यह है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स और जो यहाँ पे इलीगल वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं उनको पकड़ के डिपोर्ट करना, ठीक है। तो इस लिहाज से जो लोग कहीं और से वर्क परमिट कहीं और का है और काम कहीं और कर रहे हैं तो वो बड़े एहतियात करें, और दूसरे वो लोग जिनको राइट टू वर्क ही नहीं है और काम कर रहे हैं वो भी एहतियात करें, और वो लोग जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है और वो वैसे ही काम कर रहे हैं, वो लोग ख़ास तौर पर एहतियात करें क्योंकि उनको पकड़ के डिपोर्ट किया जा सकता है। बाकी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।